Yo, what's up, everybody? YouTuber boys here, and welcome back to another gameplay video of Minecraft. So, guys, आज हम लोग दोबारा से Godlands खेलने वाले. इतने टाइम से हम लोग वेट ही कर रहे थे Godlands कब आएगा, Godlands कब. ये आ गया हमारा Godlands. और गाइस, वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई, बिकॉज मतलब यार इस बार हम असेंबली में थोड़ा सा ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, तो बट चल जाते हैं. ठीक है गाइस, चलो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर. चलो, अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ. दिख रहा है ना गाइस, चेक कर लेते हो थोड़ा सा से. यस, सब कुछ दिख रहा है. मुझे चेक करना पड़ता है, बिकॉज मैं अभी थोड़ा सा सेटिंग अलग हूँ. ठीक है गाइस, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, Godlands में ये चीज चेंजेस हो चुके हैं कि ये जो हमारा वर्ल्ड है, इधर मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए. पहले तो अभी मैंने शैडोज डाल लिए, अभी शैडोज ला के लिए भी सब मजा आता है. और ये है मेन चीज, Godlands. देखो भाई, ये एकदम ओपी लग रहा है. जब इधर कासल, विलेजर हॉल एंड बहुत कुछ बन जाएगा ना भाई, आज मजा आ जाएगा. तो गाइस, आज का टॉपिक ये है कि आज हम लोग डायमंड माइन करने वाले. जैसा आप देख रहे हो, मेरी स्किन भी एकदम किंग वाली मैंने कर दी है. और बस दो दिन, और मतलब परसों के बाद, मतलब कल और परसों के बाद मैं अपना जो नाम है उसको मैं चेंज करके रिपुंजो किंग वाइटी करने वाला हूँ. नहीं तो रिपुंजो गेमर वाइटी, इन दोनों में से एक हो सकते, पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन इन दोनों में से एक. तो भाई मजा आने वाला है गाइस Godlands में. और सॉरी बिकॉज वीडियो मतलब एकदम यार, मैं अभी रिपुंजा से भी मैं सबसे ज्यादा से भी ज्यादा ध्यान दे, बस वो उसको उसको अभी मतलब थोड़ा सा ध्यान देना ही है. उधर प्लेयर्स बुला रहे हो एंड बहुत काम चल रहे हैं, तो हाँ गाइस थोड़ा सा डिले हो जाता है. बट चलो, आ गया Godlands. और मैंने एक माइनिंग वाली जगह पहले से बना के रखी है, वो ये रही. तो अभी हम जाने वाले माइन करने के लिए. लेट्स गो करने से पहले रुको, इतने भी हम लोग प्रो नहीं है. मैं सोच रहा था भाई एमएलटी वाली ट्रिक वो एक रास्ता बना दूं, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे खराब लगने वाले. छोड़ो भाई उसको, आप छोड़ो. एंड अभी मेरे को मतलब मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, अभी मैं जो ये वीडियो एडिट करने वाला हूँ, ये वंडरशेयर फिल्म मोड ऐसे मैं पहले कर रहा था, लेकिन अभी उधर वाटरमार्क आता है तो नो वे. नाउ वी विल एडिट विद आवर प्रोफेशनल एडिटर, मतलब एक खतरनाक एडिटर है, फ्री में लेकिन एडिट हो जाएगा. बस समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बिकॉज थोड़ा सा मतलब बहुत अजीब है, लेकिन ठीक है, सीख गए. तो अभी हम ये वीडियो भी उससे एडिट करने वाले, और नो वाटरमार्क नहीं आने वाला वाटरमार्क. तो लेट्स गो, अभी हम आ गए माइन करने के लिए. ये बोलो भाई, टोर्च लेट्स गो. अभी मैं, और ये जो ये जगह है, देखो मैं सीधा दिखा देता हूँ, ये -53 में जा रहे हैं. देखो, देख रहे हैं ना, तो ये -53 में जा रहे हैं. ये चीज देख लेना, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने. अभी हम करते हैं माइनिंग, लेट्स गो. अभी डायमंड, बस डायमंड मिल जाए भाई. -53 में डायमंड में, मतलब अभी तो 1.18.1 खेल ले, Godlands अपडेट हो चुका है एकदम खतरनाक. Godlands पे अभी बंदे भी, एक दो बंदे बुला लेंगे. और चाहते हो कि Godlands में सोना खाए तो इतना लाइक बटन, ठीक है, लाइक बटन को सब दबा दो, ठीक है. अगर आप चाहते हो कि Godlands में सोना खा, अगर नहीं चाहते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो जल्दी लाइक वाला बटन. मैं कतई बता रहा हूँ भाई, मैं मतलब यही चीज पहले से, मैं जब से मैं वीडियो रिकॉर्ड करने आया ना, तब से मैं यही अभी कोट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अपना पिकैक्स डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता. अभी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला, डायमंड मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं, ठीक है भाई. कहाँ पर यार, इधर तो डायमंड है ही नहीं भाई, इधर डायमंड नहीं मिल रहा है. इस साइड में क्या डायमंड, पता नहीं भाई कहाँ से. तो मैंने मतलब क्या बोलूं यार, प्लीज यार भाई, आज का गोल है डायमंड ढूंढने का. जल्दी डायमंड मिल जाए, ये चीज अच्छा होगा. थोड़ा सा यार भाई, कहते
सही बता रहा हूँ भाई, मतलब भाई कहाँ है डायमंड, वेर आर डायमंड्स गाइस, कहाँ के गाइस, मेरे को 2 मिनट दो, मेरे को पता नहीं मैं कौन से कोड है इसमें, मैं एक बार चेक करके आया कि भाई ये सही जगह है कि नहीं। ओके गाइस लेट्स गो भाई, इतने टाइम माइनिंग करने के बाद और मैंने जब गूगल की इंफॉर्मेशन देखी तो मेरे को पता चला कि ये जो इन लोगों ने बनाया ना ये डायमंड, मतलब ये जो 1.18 के ये देखो ठीक है, ये जो 1.18 के जो डायमंड है ना सामने दिख रहे हो, ये नॉर अभी रैंडम जनरेट हो, लेकिन इनके जो लेवल है वो -53 में रहने। यार तुम कत्ते भाई, मैं इतने टाइम से ढूंढे, फाइनली मेरे को इतने ज्यादा डायमंड मिले भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैंने वीडियो पॉज करके इतना ढूंढा ना, इतना मतलब ऐसे केव कोड डाली है, देखो मेरी दूसरी पिकैक्स डिस्ट्रॉय हो गई, मेरे को न्यू से और एक बना के लेके आए हो अभी गाइस, मैं यार भाई कसम से यार मैं बता रहा हूँ भाई, मैं सही में बता रहा हूँ भाई, मेरे को ऐसे गुस्सा आता है भाई यार, भाई अगर मिलता तो देखो एकदम ऐसे मिलता और इतना ढूंढने के बाद मेरे को अभी टोटल देखो पता नहीं कितने डायमंड मिलने वाले, मेरे को नहीं पता, इतना ढूंढने के बाद टोटल मेरे को मिले हैं 28 29 30 31 32 33 34 and 36 भाई साहब, ये गाइस मैं बता रहा हूँ, ये जो 36 डायमंड है मैं कतई बता रहा हूँ भाई, मैं मतलब इतना ढूंढा मेरे को डायमंड मिला ही नहीं, उसके बाद मेरे को पूरी केव खोदने के बाद इतना डायमंड मेरे को मिला है, मतलब इतना सा मैंने इतने सारे वो कर दिए ना गाइस, और वो जो ब्लॉक्स है वो मैंने सीधा चेस्ट पे रख के आया हूँ अभी, और उसको फेंका भी है थोड़े थोड़े लावा में भाई, यार मैं कते भाई केव को डालूंगा मैं ऐसे तो सही में भाई, ऐसा तो मैं सही में केव को डालूंगा, बट फाइनली आज के वीडियो का गोल खत्म हुआ है बस, ये अच्छा लगा मेरे को, आज के वीडियो का गोल खत्म हुआ, और एक डायमंड जितने मिल लेते मतलब इतने डायमंड दे दिए ना, और थोड़े से प्लीज दे दो भाई प्लीज, और नहीं है हो गया, मतलब भाई साहब इतना ढूंढने के बाद 53 डायमंड है, और अगर मैं और ढूंढू ना डायमंड तो मेरे को कसम से बता रहा 5-6 घंटे में डायमंड ढूंढने लग जाएगा, मेरे को अभी मेरे को घर भी जाना है, चलो भाई यार हो गया भाई, भाई साहब मतलब यार हालत खराब कर दोगे भाई, 1.18 फाइनली मेन काम तो हो गया, अब एंसेंट एवरेज हो सब तो इजीली ढूंढ लेंगे, बस वही डायमंड ही मेन चीज था, अभी बाकी का हम काम करते हैं गाइस, मैं अभी पहले सोच रहा हूँ, पहले मैं एक अभी ये केव में कभी नहीं आने वाला भाई, इस केव में भाई इतनी मतलब मैं सही में बता रहा हूँ, अगर अभी क्रीपर वीपर आ जाता ना और ऐसे फूट जाता ना भाई, मैं क्या होता, मतलब सामान वामन सब कुछ जाता, 52 डायमंड सभी मेरे पास है, मेरे को पता है फ्यूचर में मेरे को ग्राइंड करना पड़ेगा, वो तो मैं वीडियो में तो कतई नहीं करने वाला, दिमाग खराब तो होने वाला है, वीडियो में जितना दिखाना था दिखा दिया, अभी बस डायमंड का आर्मर बनाते हैं और डायमंड के टूल्स, भाई यार भाई साहब ये है हमारा न्यू वाला गॉडलैंड 1.18, मेरे को 16.5 जब मैंने खेला था गाइस मैं बता रहा हूँ, मेरे को पहले मेरे को 16.5 में एक मतलब एक दो 5-6 मिनट में मेरे को कम से कम 35 डायमंड्स मिल जाते थे, लेकिन अभी मैं अगर 1.16.5 खेलूं तो मतलब भाई डायमंड मिलते ही नहीं है, पेपर एमसी स्पाई गॉड उनका कोई दिक्कत नहीं है लेकिन डायमंड नहीं मिलते, ये दिक्कत है, अभी से मैं ये इसको बंद कर रहा भाई, बट मैं बाद में चालू करूंगा, भाई साहब हालत खराब होगी भाई, मतलब सही में यार 53 डायमंड भाई, मैं सही में बता रहा हूँ, और गाइस हमारा अभी गॉड लैंड एकदम चेंज हो चुका है, तो फालतू का सामान हम रख देते,
और अभी हम बनाएंगे डायमंड का, लेकिन मैं थोड़े से डायमंड बच जाएंगे तो मैं उनका मैं एक काम कर लूंगा, मतलब मैं उनका मैं टूल्स नहीं, मैं दूसरा डायमंड आर्मर बनाने का सोच रहा था कि मैं दूसरा डायमंड आर्मर बनाऊं, लेकिन नहीं, जितना है उतने में काफी है। अभी हम निकालते हैं डायमंड एंड लेट्स मेक डायमंड आर्मर इन 1.18। भाई मैं कतई बता रहा हूँ भाई, इतनी मतलब मैंने वीडियो में जो पार्ट मेरे को दिखाना चाहता वो मैं दिखा भी नहीं सकता, बिकॉज वीडियो 7-8 घंटे की ऐसे फालतू में ऐसे मतलब, और मैं उसको कट भी नहीं कर सकता, वही पार्ट्स में इतने मतलब ऐसे टाइम वाइम लग गया ना भाई, कतई बता रहा हूँ यार। चलो यार आ गया हमारा डायमंड का आर्मर और रेको स्टिक्स, जब जो चीज चाहिए वो चीज तो मिलेगी नहीं, मतलब भाई जो चीज पहले चाहिए वो चीज तो नहीं मिलने वाली, इधर से स्टिक्स मेरे को निकालनी पड़ेगी। और ये गोल्ड लैंड में हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी मतलब एंडर ड्रैगन को भी बीट कर, बिकॉज एक खतरनाक सरप्राइज बन रहा है मतलब बना रहा हूं, वो हो जाएगी। गाइस मैं आपको बता देता, ये एक सरप्राइज ये है कि मेरे पास SMP है, ठीक है, मैंने कभी भी अपना एक पब्लिक सर्वर क्रिएट नहीं किया, मतलब ऐसे पब्लिक ऐसे नॉर्मल सर्वर नहीं, पब्लिक, तो गाइस मैंने कभी भी अपना पब्लिक सर्वर क्रिएट नहीं किया, तो फाइनली मैंने एक पब्लिक सर्वर बनाया है जहाँ पर स्काई ब्लॉक एंड बहुत सारी चीजें, मतलब स्काई ब्लॉक भी है एंड हाईपिक्सल तो मतलब सॉरी हाईपिक्सल क्या है भाई, स्काई ब्लॉक है एंड एक सर्वाइवल वाला है और एक मैंने ऐड किया था बैडवर्ड है जहाँ पर हम खेलने वाले, लेकिन अभी वो बन रहे हैं तो ये गॉडलैंड्स के बाद हम उसको लाएंगे, ठीक है, गॉडलैंड्स के बाद वो आ जाएगा। अभी हम पहले मैं डायमंड की स्वॉर्ड बता लेता हूँ भाई, मेरे को 1.18 में डायमंड ढूंढना मतलब ऐसे लगता है कि भाई यार मैं डायमिस्ट कर रहा हूँ बस, अब दूसरा काम कुछ नहीं है, अपना डायमिस्ट कर रहा हूँ बस, 1.18 में डायमंड ढूंढना भाई मैं अपना डायमिस्ट कर रहा हूँ, मेरे को लिटरली ऐसा लगता है, बट नहीं कभी कभी वो नहीं भी होता भाई साहब यार, मतलब मैंने सोचा था भाई इजीली डायमंड मिल जाएंगे, लेकिन जितना खोदना पड़ा उतना तो भाई मेरे को फेंकना पड़ा, मतलब जितना मतलब मैंने खोदा ना तो उतना मेरे को ज्यादा फेंकना ही पड़े, बिकॉज मैंने कॉबल डीप स्लेट को बहुत सारे फेंके, लावा में से वो लावा वाला उधर था ना, मैंने इतने सारे कॉबल डीप स्लेट फेंके ना भाई मैं बता नहीं सकता। और गाइस अभी हमको जाने मतलब अभी मैं गाइस सोच रहा हूँ आज के वीडियो में तो इतना कितने पता नहीं कट तो आने वाला है वो पार्ट में, तो कट तो आने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं एक नेदर पोर्टल बना लूँ, मतलब मेरे पास फ्लिंट भी है तो मैं सोच रहा हूँ नेदर पोर्टल आज बना ही लेते, क्या बोलते हो गाइस, बिकॉज डायमंड वाला तो जो मैंने प्लान सोचा था वो तो नहीं हो पाया, लेकिन नेदर पोर्टल वाला करते हैं। चलो भाई मेरी चप्पल आ गई, और रिपुंजो SMP की मेन स्ट्रीम आने वाली है गाइस, वो भी एकदम ऐसे जल्द आ जाएगी, बट यार उसको भी थोड़ा सा टाइम दो है, इतना मतलब ऐसे वो मत, ठीक है, वो भी आएगी, वो भी धीरे धीरे आएगी। और मैं अभी 1.18 में कभी भी डायमंड ग्राइंड करने नहीं जाने वाला, मैं फुल प्लान के साथ जाऊंगा, मतलब ऐसे प्लान मैन बना के जाऊंगा, अगर मैं बनाऊंगा अभी तो मैं स्ट्रीम में ग्राइंड करूंगा भाई, वीडियो में तो कतई नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा, मैं स्ट्रीम अगर 7-8 घंटे की कर दूंगा तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन भाई वीडियो भाई सॉरी भाई वीडियो कतई नहीं हो सकता। और गाइस ये देखो हमारा शैडस के साथ माइनक्राफ्ट एकदम खतरनाक दिखता है ना, अगर मैं ज्यूस PTGI ऑन कर दूं तो क्या होगा, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, करेगा ज्यूस PTGI ऑन, क्या बोलते हो, करेगा ज्यूस PTGI के साथ, अच्छा लगता है, करेगा भाई बताओ भाई, माइनक्राफ्ट बदल जाएगी, मतलब ऐसे बदल जाएगी, ऐसे तब उसका वही बदल जाएगा, मेरे को पता नहीं मैं करूं भी नहीं, एक बार ट्राई करता हूँ,
पता नहीं कितने एफ केस आने वाले, मेरे को नहीं पता। गाइस मैंने सीयूस पीटी जाय कर दिया है रुको भाई, मेरे को पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन बट देखते हैं क्या होता है। ये एक चीज मेरे को बताओ कि ये मेरा ऑडेसिटी क्या हो गया, ऑडेसिटी हेलो, ये हरकतें करने क्यों लग गया भाई? ओ भाई लोड हो गया, मेरे को लगा नहीं था लोड हो जाएगा। मतलब अभी मैं ओबीएस चला रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोड हो गया, लेकिन मेरे को पता नहीं था भाई ये लोड होने वाले कि मेरे को नहीं पता था। ठीक है चलो लोड हो गया तो भाई जल्दी 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 मेरे को सीएसपीटी क्या दिखाना है। ओ भाई गॉड, मैं सीएसपीटी जाय के साथ ओबीएस में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ गाइस, लिटरली देख रहे हो आप, मैं सीयूस पीटी जे चला रहा हूँ, वो भी जी वाला रुक, सीयूस पीटी जे कौन सा वर्जन है? E12 वाला वर्जन है भाई, सीयूस पीटी जे के साथ मैं जी वाला वर्जन चला रहा हूँ। और मैं सीयूस पीटी जे का मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि जो वाटर है ना भाई, ये जो ये है ना, कतई बता रहा हूँ भाई, ये है असली पानी। ठीक है गाइस ये असली पानी भाई साहब। अभी मैं सोच रहा हूँ चलो ऑब्जीडियन थोड़ा सा माइंड चलने चलते सीयूस पीटी जे के साथ। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, मैं वीडियो में सीयूस पीटी जे यूज क्यों कर रहा हूँ भाई? बस मैं एक काम करता हूँ, सीयूस पीटी जे छोड़ो, हम मेरे पास और एक है मेरा सिल्डूर्स वाइब्रेट एक्सट्रीम। मेरे पास बहुत सारे स्टेटस है भाई, मैं सबको यूज करता हूँ और सब ही ओपी से भी ओपी ही है, मतलब सभी स्टेटस ओपी टॉप लेवल वाली है, लेकिन एक दो टॉप लेवल वाले नहीं है, जैसे BSL वो टॉप लेवल वाला नहीं है, लेकिन वो मीडियम है। जैसे कि मेरे को अभी एक RTX रिसोर्स पैक चला है, तो मेरे को वो चलाने के लिए BSL यूज करना पड़ेगा। अगर मैं ये यूज करूँ ना, ये सीयूस ये सिल्डूर्स वाइब्रेट है, अगर मैं ये यूज करूँ तो सीन होगा। और इसका भी वाटर एकदम स्मूथ लगते थे वो भाई, क्या एकदम ओपी लग रहा है यार, खतरनाक भाई ये मेरे को। और गाइज ये हमारा सबसे पहला वाला शेडर था, लेकिन अभी हमने इसको एक्सट्रीम में बदल दिया, तो मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा सा आए ही है तो पहले हम थोड़े से लावा वावा इकट्ठी करके जाते हैं। तब मैं अभी जा रहा हूँ डायमंड नहीं, ठीक है भाई, बट भाई मेरे पास ओपी है, लेकिन मतलब आप लोग सोच रहे हो भाई ओपी कैसे, मेरे पास ओपी है और से सर्वर मेरा है, कोई भी हैक एटनोस का सर्वर है, बैन वैन देने के लिए तो आपको पता ही है कौन बैन देने वाला है, मैं ही देने वाला तो भाई। और इधर से पता नहीं इधर से जाना है रास्ते में, चलो भाई दोबारा नीचे, लेकिन इस बार हम इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, ऐसे फालतू काम के लिए। इस बार हमको ऑब्सीडियन चाहिए ताकि नेदर पोर्टल बनाना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी सी एन्चांटमेंट करेंगे, मतलब एन्चांटमेंट करेंगे, थोड़ा सा एंसेंट एबिलिटीज खोजने की भी कोशिश करेंगे। अगर एक दो भी मिल गए तो ठीक है, अगर एक दो नहीं मिले तो कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अगर मिल भी गए तो मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले। लेकिन मैं अभी मेरे को ये वीडियो के बाद इतने सारे क्रीपर मारने पड़ेंगे ना गोल्ड लैंड में, मैं बता नहीं सकता भाई, इतने ज्यादा क्रीपर मेरे को मारने पड़े। और मेरे को रिपुंजा SMP में भी अपना टावर कंप्लीट कर रहे हैं, तो भाई गॉडलैंड्स का नेक्स्ट एपिसोड का ये जो ये है इसको तो भाई आप लोगों को एकदम खतरनाक ही कुछ बता देते कर। रुको 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 रुको, नो वे, अबे यार ये मेरा माउस भाई नशे करता है यार, गाइस ये मेरा माउस नशे करता है, पक्का बता रहा हूं भाई, सही में नशेरी माउस है। इसको कहते हैं ओपी ट्रिक, हमारा वाटर भी वेस्ट नहीं हुआ एंड सब कुछ। इसको हमने डाला और पानी निकाल लिया,
और अभी हमको ये ऑब्सीडियन चाहिए ताकि मेरे को नेदर पोर्टल में, मतलब आज ही मैं भला दूंगा बिकॉज मेरे पास सब कुछ है जो जो मेरे को मटेरियल चाहिए, दोनों काम हो जाएंगे वीडियो में, डायमंड माइन करना एंड नेदर। गाइस ये इस वीडियो का टारगेट तो मैं कुछ खतरनाक ही रखने वाला हूँ, मतलब खतरनाक रखने वाले क्या भाई, खतरनाक रखने वाले बिकॉज भाई इतने मेहनत, मतलब इस वीडियो में सबसे ज्यादा ऐसे 1.16.5 में जब मैं ऐसे वीडियो बनाता था तो भाई मेहनत नहीं जाती थी, बिकॉज उधर डायमंड ढूंढे तो मिल जाते लेकिन इधर मतलब ऐसे ढूंढना पड़ता है ना कि नहीं, तो चांसेस ही नहीं कि मिल जाए, मतलब ऐसा 0% हो जाता है अभी। तो भाई मैं 1.18 में मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा, मतलब भाई कोई दिक्कत नहीं है खेलेंगे तो ऐसा ऐसा नहीं कि भाई गोल्ड लेंस को तो छोड़ ही देंगे, बट डायमंड अगर माइन करने तो मैं तो ऐसे प्लान वैन बना के आऊंगा, और अगर मैं माइन करूंगा तो मैं बहुत सारे सीन्स कट कर दूंगा, जैसे कि अभी मैंने डायमंड खोदने वाला सीन नहीं दिखाया, मतलब खोदने वाला मतलब वो जो स्टोन वोन तोड़ने वाला एकदम केव को ऐसे वो करने वो तो सीन आपको नहीं दिखाया ना, आए मैं मरता अभी, तो वो सीन गाइज आप यार वो सीन दिखाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वरना फालतू में वीडियो ज्यादा मिनट की हो जाए, मैं साइज तो कम कर लूंगा लेकिन इतने भाई 7-6 घंटे की वीडियो कॉल दिखेगा फालतू में, भाई एक ही चीज कर रहे हैं डायमंड माइन, और टॉपिक तो ये हर एक वीडियो में तो दो दो चीज, मतलब वीडियो में एक ही टॉपिक तो नहीं डाल सकते ना, दो दो टॉपिक चाहिए, एक मतलब दो तीन चार दो टॉपिक चाहिए एक वीडियो में, हर एक टॉपिक डालना चाहिए। तो जैसे कि अभी मैंने 3 टॉपिक कर दिए, पहला तो मैंने डायमंड माइन किया, उसके बाद मैंने डायमंड का आर्मर बनाया, और अभी मैं बनाने वाला हूँ नेदर पोर्टल। तो हो गया गाइस, वरना अगर मैं एकदम ऐसे डायमंड ही माइन करते रहता वीडियो में, अगर ऐसे में दिखाता है कि मैं डायमंड ही खोद रहा हूँ वो एक ही टॉपिक होता और अच्छा नहीं रहता। तो दो दो टॉपिक हमने डाल दिए वीडियो में ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, और भाई अभी मैं गोल्ड लेन बहुत खेलने वाला हूँ बिकॉज मेरे को अभी और थोड़े से डायमंड चाहिए ताकि मेरे को फ्यूचर में कभी भी डायमंड माइन करने नहीं पड़े, फ्यूचर में मतलब मैं पूरा ग्राइंड करके रख दूंगा, फ्यूचर में कभी मेरे को डायमंड ग्राइंड करने नहीं पड़े, अगर मेरे पास ऐसे अगर मेरा ऐसे नेदरराइट का आर्मर चला गया तो फ्यूचर में मेरे को कभी भी डायमंड ग्राइंड करने नहीं पड़े, तो मैं इतने डायमंड तो मैं रखने वाला हूँ भाई, वरना मैं ऐसे भाई कतई ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते एक छोटे से डायमंड के लिए, बिकॉज ऐसे फालतू में भाई सही मतलब मैं मेरे को लगा कि भाई 1.18 का अपडेट आ गया एकदम सब कुछ फिक्स हो गया, मैंने जब अपने SMP में डायमंड ढूंढा तो मेरे को मिल गया, और जब मैंने इधर ढूंढा इतना खोदने के बाद एक केव मतलब एक मैंने वो केव बना दी, एक केव खोदने के बाद मेरे को डायमंड मिले और वो भी कम से कम 51, अगर मैं 16.5 में खेलता तो कम से कम मेरे को 64x64x64x30 मिनट्स, और मैं फालतू में ये 1.18 में हूँ, लेकिन ऐसे भाई 1.18 भी मेरे को अच्छा लगता है, ऐसा पूरा कभी नहीं बिकॉज इसका अलग स्पेशलिटी है, और मैं मेन अपडेट का वेट कर रहा हूँ जो 1.19 वाइल्ड अपडेट जहाँ पर वार्डन आने वाले हैं, और वार्डन तक मेरे को नेदरराइट का आर्मर रेडी करना पड़ेगा, और मेरे को वार्डन को टीम भी करना, तो मतलब उन लोगों ने बोला कि मतलब बोला तो नहीं मैंने सुना कि हम वार्डन को टीम कर सकते हैं 1.19 में, तो मेरे को नेदरराइट आर्मर चाहिए फुल प्रोटेक्शन 4 वाला, और मेरे को अगर मैं उसको टीम नहीं कर पाया तो मैं उसको मार दूं, और मेरे को ट्रैप भी बनाना है, ट्रैप के लिए सामान भी चाहिए होगा भाई एकदम, और जिस दिन और गाइस वार्डन वाली जो वो हम करने वाले हैं ना तो वो उसकी और एक वीडियो होने वाली है 1.19 वाइल्ड अपडेट किलिंग वार्डन एंड एक्सप्लोरिंग 1.19 केव्स, ठीक है ये है उसकी टाइटल, अब मैंने टाइटल ही बोल दिया भाई, वाह वाह देखो हमने टाइटल ही बोल दिया सीधा, हमने वीडियो का टॉपिक ही बोल दिया कि क्या होने वाला है, बट कोई दिक्कत नहीं है वो वीडियो उसका चेंज हो सकता है बिकॉज मैं ऐसे तो सीधा सीधा जो बोल देता हूँ वो तो डालता नहीं हूँ ना, मैं थोड़े से अतरंगी चीजें डालता हूँ कभी कभी, मरना नहीं है ना एकदम, रिस्क हो गया रिस्क भाई इतना खतरनाक रिस्क नहीं उठा सकते, तो पहले लेते और इसको मैं लगा देता हूँ इधर ताकि ये लावा बंद हो जाए,
ओके गाइस लेट्स गो भाई। यार भाई मेरी मम्मी आ गई थी, सॉरी एक मिनट, सॉरी भाई यार मैं क्या करूं यार। ठीक है तो गाइस मैं ये कह रहा था कि वो टॉपिक वो अलग होने वाला है उस वीडियो में, तो और वो वीडियो आने से पहले तो जितना मैं अभी तो ये खतरनाक टारगेट रखने वाला, बिकॉज इतनी मेहनत गई है ना भाई, इतनी मेहनत मैंने माइनक्राफ्ट में 1.16.5 एंड 1.12 के वर्जन में कभी नहीं किया होगा। इतनी मतलब कम से कम ऐसा समझ लो कि लोग 100% मेहनत करते हैं, मैंने 2 लाख% करी, और 2 लाख% मेहनत मतलब 2 लाख तो नहीं है मतलब उसके समान ही है, मतलब 2000-3000 मेहनत करी। और अगर कोई दूसरा वर्जन होता अभी तक का मैं 5-6 स्टैक डायमंड इकट्ठे कर लेता 7 घंटे के, और मैं फालतू में टाइम वेस्ट कर लू। वाओ लेकिन भाई यार माइनक्राफ्ट वालों मैं तुम लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ यार, ये मतलब मेरे को कोई ऐसा जीमेल भेजो ताकि मतलब आप लोगों को सच में मेरा जीमेल पता ही होगा, पता नहीं पता है कि नहीं, अगर नहीं पता तो मैं आपको भेज दूंगा। माइनक्राफ्ट वालों मैं बोलना चाहता हूँ यार ये क्या है भाई, मैं इतना डायमंड मिलता मेरे को नहीं मिलता, इतनी देर बाद डायमंड मिलते हैं, ये चीज फिक्स करो। और 16.5 में भी अभी एकदम अलग ही सीन हो चुका है, मतलब मैं डायमंड खोद तो नहीं मिलते इतने, मतलब भाई इतना खोदने के बाद डायमंड मिलते ही नहीं, और 16.4 में भी नहीं मिलते, तो ये कुछ डायमंड का ग्लिच है, पता नहीं क्या दिक्कत है, बट ठीक है। 14-15 चाहिए ना हमको, चलो आज हम नेदर पोर्टल भी बना लेंगे और नेदर का एडवांसमेंट भी ले लेंगे, और एक चीज हो सकता है कि हम NCAA 19 में भी चले जाए, लेकिन इतना तो नहीं हो सकता, लेकिन चलो लेट्स गो भाई। हो गया काम भी, हम चलते हैं, ये कहाँ गया रास्ता कहाँ से है, अपना रास्ता भूल गया घर वाला, इधर से था ना, अबे भाई ये कौन सा रास्ता है, अभी इधर डायमंड है क्या, मेरे को लग रहा है इधर डायमंड मिलने वाले तुम्हारा, डायमंड ओ भाई साहब, मतलब भाई एक ही टॉपिक में 2 वीडियो कवर्ड हो गई, वाओ खतरनाक 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 भाई खतरनाक भाई, सही में बता रहा हूँ, मतलब अभी मैं 1.18 की बेइज्जती कर रहा था, सॉरी, लेकिन तुम बेइज्जती के लायक हो, ठीक है तुम बेइज्जती के लायक हो, तुम बेइज्जती के लायक हो ही। भाई इतना खोदने के बाद अभी मिला है भाई, चलो भाई यार अभी तो हमारा काम हो गया, और सोचे डायमंड मिल गए, अभी हम चलते अपने घर पे, ये घर का रास्ता कहाँ है, घर का रास्ता कहाँ चला गया भाई, इधर से था क्या, अच्छा ये रहा, ये भी नहीं है, वाओ अरे घर का रास्ता कहाँ गया, व्हाट मैं कहाँ से आया था घर के रास्ते को, अच्छा ये रास्ता, हाँ यही तो रास्ता होगा, और दूसरा रास्ता कहाँ है, ये रास्ता है ना, पता चला भाई ये भी रास्ता नहीं है, है ना ये रास्ता, अबे भाई क्या है ये, उधर जा रहे हो ये ब्लॉक है, उधर जा रहे हो ये ब्लॉक है, भाई भाई घर का रास्ता कहाँ गया, मैं घर भूल गया क्या, मतलब स्लैश होम वाला कमांड भी नहीं है, बस ये गॉडलैंड है, गॉडलैंड में स्लैश होम भी चलता, तो जाओ कहाँ से अभी, भाई अभी मैं जाऊँ कहाँ से, रास्ता किधर है गाइज, यार गाइज मेरे को 2 मिनट दो, मैं रास्ता ढूंढने के बाद मिलता हूँ भाई, ये 2 मिनट के ना 2 घंटे हो जाएंगे कभी, चलो गाइज 2 मिनट दो, मैं सीधा रास्ता ढूंढने के बाद आपसे मिलता हूँ, ओके गाइज लेट्स गो भाई,
मैं कत ही बता रहा हूँ भाई, मतलब इतना ढूंढने के बाद अभी मिले, और ये डायमंड भी रास्ता भाई इतना केव खोद दिया मैंने, मेरे को रास्ता अभी मतलब इतनी देर बाद मिले यार, ये मैं ये जगह को ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन मेरे को इस जगह में डायमंड मिले तो हाँ मैं ब्लॉक नहीं कर, और जिसमें फायदा है मेरे मेरे पास 12 डायमंड है और मेरे चेस्ट में 19 डायमंड पड़े हुए थे, तो मैं उनको प्लस करके और थोड़े डायमंड रख दूंगा ताकि जैसे कभी भी दिक्कत हो। लेट्स गो, अभी डायमंड कार में तो अभी आ चुका है, अभी इसको बस नेदरराइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अभी मैं फालतू एन्चेंटमेंट तो बिल्कुल नहीं लगाने वाला, लगाऊंगा तो सीधा प्रोटेक्शन फूल लगाऊंगा आर्मर पे। तो हाँ गाइस, अभी हमारे पास डायमंड कारमर है, और ये डायमंड कारमर के साथ मैं एंडी ड्रैगन को भी मार सकता हूँ, लेकिन अभी हम इतनी जल्दी नहीं मारेंगे, बाद में मारेंगे, बस एंडी ड्रैगन को ऐसे बाद में मारना अच्छा होता है, तो एंडी ड्रैगन को हम बाद में मारेंगे। अभी मैं थोड़े से आयरन इंगट, और अगर अभी अगर तुम लोगों ने बोला नहीं भाई मेरे पास आयरन नहीं है, मैं सही में यार मैं मतलब भाई जो चीज चाहिए वो चीज नहीं मिलेगी, मतलब कभी नहीं मिलेगी टाइम पे, ये आर्मर को मैं इंगट बना के मेरे को आयरन ढूंढना पड़ेगा, इसमें को 2 मिनट दो, मैं आयरन 10 फ्लिंट ढूंढने के बाद आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस लेट्स गो, भाई मेरा गेम डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी भाई, मतलब कतई बता रहा हूँ भाई यार, मतलब ये मेरे साथ ही होना है ना गॉड लैंड भाई, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी हम गॉड लैंड के राजा बनने वाले हैं, तो अभी हम कोई बनना ली, अभी मैं काम कर लो पहले फ्लिंट एंड स्टील बनाओ यार भाई साहब। चलो भाई अभी हम इग्नाइट करता अपना नेदर पोर्टल, व्हाट व्हाट, अच्छा ठीक भाई, अगर अभी मेरा ऑब्सीडियन नहीं होता ना, मैं सही में भाई मैं भी सीधा गेम ही क्विट करने जा रहा था भाई यार, जो चीज मैंने रखी है वो चीज वहां पर तो मिलती नहीं कभी, बट चलो अभी हम बनाते हैं गोल्ड लैंड का नेदर पोर्टल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3, चलो एक बच जाता है, इसको मैंने इग्नाइट कर दिया, और क्या आ गया हमारा नेदर पोर्टल, और एक तो मैं कभी संभाल के रख दे तो, और हमको एन्चेंटमेंट टेबल भी बनाना है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा लेदर चाहिए, और इतना लेदर तो अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं गाय को मार मार के तो लेदर इकट्ठी करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटेक्शन 4 ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगाएंगे तो अच्छा कुछ ही लगाएंगे, ऐसे बुरा कुछ नहीं लगाने वाले, प्रोटेक्शन 4 नहीं मिला तो कुछ अच्छा ही लगाने वाले, ऐसे बुरा नहीं। अभी एडवांसमेंट लेते हैं, अगर ये भाई मेरे को लग रहा है ना ये लोग नेदर में मेरे को धोखा देने वाले, मेरे को अभी लिटरली लगा के मैं नेदर में जा नहीं सकता। ओ भाई लेट्स गो, क्या स्पॉन पॉइंट है भाई, ऐसे ही दो ना, निपुंज एसएमबी में कितना घटिया स्पॉन पॉइंट है पता है, मतलब स्पॉन पॉइंट तो अच्छा ही दिया है नेदर का, लेकिन बहुत घटिया भी है ये, तो सीधा मेरे को ये मिल गया देखो, और इधर फोर्ट्रेस भी होगा साथ साथ, तो भाई गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम नेदर एक्सप्लोर करेंगे, एंसेंट एबिलिटी ढूंढेंगे, एन्चेंटमेंट्स करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा धमाल मचने वाले भाई साहब यार, ये वीडियो एंड अभी मेरे को इस वीडियो को एडिट करने, वाओ खतरनाक भाई साहब, भाई मेरे को एक वो वीडियो बनानी थी कि मैं अपने वीडियोस कैसे शूट करता हूँ, लेकिन वो तो मैं नहीं बनाने वाला, मेरे को सब सेटअप की दिक्कत है, वो तो मैं कतई नहीं बनाने वाला भाई साहब। चलो अभी मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, और ये मैंने डिस्कनेक्ट किया और ये मैंने कर दिया। चलो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट माइनक्राफ्ट की वीडियो में भाई, इस गोल्डलैंड्स की वीडियो में मैं एम रखता हूँ भाई कम से कम, रुको सोचने दो मेरे को कितना रखूं मैं, बहुत मेहनत गई है उसके हिसाब से रखने वाले, मैं सोच रहा हूँ ना कम से कम तो आप कर दो
30 राइट नहीं 79 व्यूज 79 व्यूज अब 79 वाचिंग जो भी है व्यूज नहीं तो लाइक्स 20 लाइक्स आ गए तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा एकदम अगर खतरनाक ही सपोर्ट आ गया तो नेक्स्ट पार्ट और जल्दी आ जाएगा ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू गेम प्ले में और फ्री फायर की वीडियो भी अभी बाकी है मतलब फ्री फायर भी अभी चल रहा है अभी वो थोड़ा सा काम में चल रहे तो फ्री फायर भी खेल रहे चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।